सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज़ पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। नगर निगम बनने की राह में बढ़ रही मेदिनीनगर नगर परिषद में शौचालय आवास निर्माण में खुलेआम पैसे वसूली का खेल की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। इसके खिलाफ नगर परिषद कार्यालय में भी शिकायतें आ रही हैं। वार्ड पार्षदों पर हर किस्त में पैसे की मांग के आरोप लगाए जा रहे हैं, पर लिखित शिकायत नहीं आने की वजह से उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। भ्रष्ट सिस्टम को सुधारने में जुटे और जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए कटिबद्ध कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार साव ने 3 माह में दूसरी बार कैपिटल न्यूज पर लोगों को घूस नहीं देने की अपील की है। साथ ही उनके मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, जीमेल पर पैसा मांगने वालों के खिलाफ शिकायत करने पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। कैपिटल न्यूज से बातचीत में कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार साव ने स्पष्ट किया कि प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जा रही है। किसी भी तरह की समस्या पर लिखित आवेदन देने का आग्रह किया है। उनकी माने तो शिकायतों पर जल्द अमल कर समस्याओं को दूर किया जा रहा है। अगर कोई घूस मांगता हो तो सीधे कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। वहीं अनुशंसा के नाम पर जनता को लूटने वालों के लिए कई विकल्प रखे गए हैं। जनता जागरूक होगी तभी भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। कैपिटल न्यूज भी नगर परिषद मेदिनीनगर की जनता से अपील करती है कि आपको किसी प्रकार के भ्रष्टाचार दिखाई पड़े तो कार्यालय में लिखित आवेदन दें और उसकी प्रतिलिपि अपने पास रखें। आप जगेंगे तभी सुधार होगा और हर किसी को उसका अधिकार नसीब होगा। कैपिटल न्यूज ब्यूरो। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, यह दोनों जो कार्यक्रम है भारत सरकार के बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और इसमें पूरा राशि झारखंड सरकार और भारत सरकार का है और इसमें किसी को 1 रुपये भी देने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने पूर्व में भी मतलब वीडियो के माध्यम से, पत्र, समाचार पत्र के माध्यम से भी लोगों से अपील की थी कि आप किसी को 1 पैसे न दें, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई बिचौलिया हो, चाहे वो कार्यालय का कोई कर्मी हो। अगर कोई पैसा मांगता है तो यहाँ पर बहुत से ऐसे मतलब SEB है, चाहे शिकायत करके आप उनको रिश्वत देते हुए पकड़वा सकते हैं और इससे हमें भी खुशी होगी और हमारे नगर पालिका की छवि में भी सुधार आएगा। और यह लास्टली ये कहना है कि कोई भी किसी को पैसा नहीं देना है और कोई भी ऑफिसर को पैसे की आवश्यकता नहीं है।